नमस्कार। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में आर्मी जवानों को सोशल मीडिया से अकाउंट डिलीट करने के आदेश को वापस लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है और सोशल मीडिया पर सेना के जवान दिखने नहीं चाहिए। इस संबंध में याचिका में मांग की गई थी कि हाईकोर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दे कि आर्मी के अधिकारियों और जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट डिलीट करने का आदेश वापस लिया जाए। इसमें फेसबुक इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की मांग करने वाली एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी। उन्होंने आर्मी सोशल मीडिया सहित 89 ऐप बैन के खिलाफ अपील की थी। उल्लेखनीय है कि 89 ऐप पर सेना को बैन कर दिया गया और सेना का कोई जवान किसी सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं रख सकता। लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि कोर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दे कि आर्मी के अधिकारियों और जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट डिलीट करने का आदेश वापस लिया जाए। बीते जुलाई माह में भारतीय सेना ने 89 ऐप बैन कर दिए थे। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। सेना ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, वेब ब्राउजर, कंटेंट शेयरिंग, गेमिंग आदि ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि गेम भी नहीं खेल सकते हैं सेना के जवान। इस कार्रवाई के पीछे सूचनाएं लीक होने का खतरा बताया गया था। उल्लेखनीय है ये सब ऐप और गेम्स आपकी निजी सूचनाएं या फोन के अंदर जो भी सूचनाएं आप एकत्रित रहती हैं या आपके लैपटॉप कंप्यूटर से जब आप फोन जोड़ते हैं तो सारी सूचनाएं लीक हो जाती हैं, ऐसा खतरा बताया गया था। ये जो सेना ने ऐप प्रतिबंध किए थे उसमें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वी चैट, क्यू, किक, आउवो, निम्बस, हेलो, क्यूजोन, शेयर चैट, वाइबर, लाइन, IMO, स्नो, टोटॉक, हाइक और वीडियो होस्टिंग ऐप टिकटॉक, लाइकी, समोसा और क्वाली। और कंटेंट शेयरिंग ऐप में बैन किए थे शेयर इट, जेंडर, जापिया। और वेब ब्राउजर जो बैन किए गए थे वो थे यूसी ब्राउजर और यूसी ब्राउजर मिनी। वीडियो एंड लाइव स्ट्रीमिंग ऐप जो बैन किए गए वो लाइव मी, बिगो लाइव, जूम, फास्ट फिल्म्स, वी मैट, अप लाइव, विगो वीडियो। यूटिलिटी ऐप में जो बैन हुए थे वो थे कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस और ट्रू कॉलर। और गेमिंग ऐप में जो बैन किए गए हैं वो है पबजी, नोनो लाइव, क्लैश ऑफ किंग्स, ऑल टेंसेंट गेमिंग ऐप्स, मोबाइल लीजेंड्स। और ई कॉमर्स में जो बैन किए गए थे वो थे अली एक्सप्रेस, कल्ब फैक्ट्री, गियर बेस्ट, चाइना ब्रांड्स, बैंग गुड, मिनिंदा वॉक्स, टाइनी डील, DHH गेट, लाइट इन द बॉक्स, DX, एरिक डेस्क, जॉफुल और टीवी ड्रेस, मोडिलिटी, रोजगल, शीन और रोमबी। डेटिंग ऐप में जो बैन किए गए थे वो थे टिंडर, ट्रू अली, मेडली, हैपन, ऑयली, कॉफी मीट्स, बेजल, वू, ओके क्यूपिड, हिंग, एजार, बम्बली, टेन, एलिट सिंगल्स, टाइजेट, काउच सर्फिंग। और एंटीवायरस जो बैन किया गया था वो था 360 सिक्योरिटी। और NW, फेसबुक और बाइडू, इंस्टाग्राम, एलो और स्नैपचैट। न्यूज ऐप में जो बैन किए गए वो है न्यूज डॉग और डेली हंट। ऑनलाइन बुक रीडिंग ऐप जो प्रतिबंधित किया गया है सेना के द्वारा वो है प्रतिलिपि और वोकल। हेल्थ ऐप जो बैन किए गए वो है हील ऑफ वाई। और लाइफ स्टाइल ऐप में पॉप एक्सो और नॉलेज ऐप में वोकल। और म्यूजिक ऐप जो बैन हुए हैं वो है हंगामा सॉन्ग्स और पीके। और ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप में जो बैन किए हैं वो है येम्ब, तुम्बिर, रेडिट, फ्रेंड्स, फीड,
प्राइवेट ब्लॉक्स, ये जो है सेना ने बैन किए थे, तो उन पर याचिका जो चौधरी द्वारा लाई गई थी वो हाई कोर्ट द्वारा आज खारिज कर दी गई और ये बैन ज्यों के त्यों बरकरार रहेंगे और सेना का कोई भी जवान सोशल मीडिया के इन नवासी जगह पर कोई अकाउंट नहीं रख सकता न अकाउंट खोल सकता है। ये थी आज की सेना से संबंधित मुख्य खबर। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायापलट होगा, अब इस बारे में समाचार है। वो है भारतीय रेल उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायापलट की तैयारी में, और रेलवे के ट्रैफिक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर पर के कारण यहाँ पर्यटन काफ़ी बढ़ेगा और इस पर्यटन की वजह से अयोध्या बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन जाएगा और यहाँ वाराणसी और प्रयागराज जितने तीर्थयात्री आने लगेंगे, यानी उनका अनुमान है कि जितने बनारस में और प्रयागराज में पहुँचते हैं उतने तीर्थयात्री यहाँ आने लगेंगे। इसको देखते हुए रेलवे ने अयोध्या रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का बजट भी 80 करोड़ से बढ़ाकर 104 करोड़ रुपए कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास समारोह 5 अगस्त यानी आज हो रहा था, उस वजह से रेलवे ने अपनी ये मैकओवर योजना के तहत 104.77 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की है। इसी के साथ ही आज के समाचार यही मुख्य सत्य थे। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।